अभिषेक करे। श्रीमन्ना मृसुरासुरेन्द्र मुकुट प्रद्योत रत्न प्रभा बासवत पादन खेन्द वहा प्रवचनाम बोधिन्द वाह साजना। ये सर्वे जिन सिद्ध सूर्नुक्ता से पाठ कह साधवा सुत्यायोग जने शबंध गुरुवा कुरवंत ते मंगलम कुरवंत मे मंगलम। सम्यक दर्शन बोध व्रत ममलम रत्नत्रयम पावनम मुक्ति श्रीनगरादिनाद्रपत्युक्तोपवर्ग प्रदा धर्मा सूक्ति सुधा चेतमखिलं चैत्यालयं श्यालयं प्रोक्तं च त्रिविधं चतुर्ममी कुर्वन्तु ते मंगलं कुर्वन्तु मे मंगलं। नाभेयादि जिनादिपार्श्व भवनाख्याता चतुर्विंशतिः श्रीमन्तो भरतेश्वर प्रभृतयो ये चक्रणो द्वादश ये विष्णुव्रत विष्णुलाङ्गलधराः सप्तोत्तरा विंशतिः सैकाल्ये पुरुषाश्च पुरुषाः कुर्वन्तु ते मंगलं कुर्वन्तु मे मंगलं। देवो शौच दयादिकादिगुणता विद्यादिका देवता स्त्रीतीर्थंकर मातृकाशनका यक्षाश यक्ष तथा द्वात्रिंशत्य दशाधिपाशतिसुरादिकन्यका चारशधा दिक्पाला दश्वैतिमी सुरगणाः कुर्वन्तु ते मंगलं कुर्वन्तु मे मंगलं। ये सर्वौषधिरिद्यासिद्धपशो वृद्धिङ्गताः पञ्च ये चार्षाङ्गमहानिमित्तकुशला योऽष्टौविधाश्चारणाः पंच ज्ञान धरा स्त्रियोपि बलिनो ये बुद्धिरिद्धीश्वरा सप्तैते सकलाश्चिता गणव्रता कुर्वन्तु ते मंगलं कुर्वन्तु मे मंगलं। कैलासे बृहस्पति निर्वतमहि वीरस्य पावापुरे चंपायां वसुपूज्य सज्जनपतेः सम्मेद शैले रतां शेषाणां विचोजयन् शिखरे नेमीश्वरस्यारतो निर्वाणावनयः प्रसिद्ध विभवा कुर्वन्तु ते मंगलं कुर्वन्तु मे मंगलं। ज्योतिर्व्यंतर्भावनामरग्रहे मेरौकुलाद्रौ तथा जम्बूशाल्मलचैत्यसाखि तथा वक्षाररूप्यादिषु विश्वाकारगिरौ च कुण्डलनगे द्वीपे च नन्दीश्वरे शैले ये मनुज्योतिरे जिनग्राहाः कुर्वन्तु ते मङ्गलं कुर्वन्तु मे मङ्गलं। यो गर्भावतरोत्सवो भगवतां जन्माभिषेकोत्सवो यो जातः परिनिष्क्रमेण विभो यः केवलज्ञानभाग् यः कैवल्यपुरप्रवेशमहिमा सम्भावितः स्वर्गभिः कल्याणानि च तानि पञ्चशततं कुर्वन्तु ते मङ्गलं कुर्वन्तु मे मङ्गलं। इत्थं श्रीजन्मङ्गलाष्टकमिदं सौभाग्यसम्पदप्रदं कल्याणेषु महोत्सवेषुदयस्तीर्थङ्कराणामुषाः ये शृण्वन्ति पठन्ति तेषु दिनैः धर्मार्थकामान्विता लक्ष्मीरासे ते विपायरहिता निर्वाणलक्ष्मीरपि मङ्गलाष्टकस्तोत्रम्। अब से प्रारंभ हो रहा है, सभी लोग भगवान के चरण में केसर लगा करके तिलक लगा लें, हाथ धो लें, जल का कलश हाथ में ले लें। जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि करूं मैं कल्याण निर्मृत निर्जनी यही है त्रैलोक भवजन को सुख शांति देती स्वामी करूं नमन में जल से तुम्हारा। ओम रीम त्रीम क्लीम एवर हम 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 तम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमो रते भगवते श्रीमते जले नभसेच्यामि नमो रते स्वाहा। उदक चंदन तनुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फलार की कई धवल मंगल गांध दवा कुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा है मुझे। ओम रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम नृपामि ते स्वाहा। नारियल के जल जो चंद्रकांत मणि के जल सम धवल है पीयूषल स्वाद लिए अमल है इस नाली के रस से अभिषेक करके चाहूँ प्रभो मुझ वचन इसके सतरस हों। ओम रीम श्रीं क्लीं एवर हम 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 सम तम पम झम झम झीम झीम छीं छीं द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमो रते भगवते श्रीमते नालिके दशाभिषेकं करोमि नमो रते स्वाहा। उदक चंदन तनुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फलार की कई धवल मंगल गांध दवा कुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मिले। ओम रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं नृपामि ते स्वाहा। इक्षुरस तत्काल पेलकर पात्र भरा लिया है माधुर पुण्य रुक चुका है हे नाथ या अभिषेक करूँ रुचि से मेरे वचन तिथक अनुसाय नम हो। ओम रीम त्रीम क्लीम एवर हम 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 सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमो रते भगवते श्रीमते इक्षुरसाभिषेकम करोमि नमो रते स्वाहा। उदक चंदन तनुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फलार की कई
धवल मंगलकांत बाकुले जिन ग्रहे जिनात्मा हमिदे ओम रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम नृपपामीति स्वाहा। जताभिषेक घी अत्यंत पुष्ट कर यह ग्रंथ तृप्तकारी संताप दूर कर से कांत देता। घी से जिनेन्द्र अभिषेक करूँ अभी मैं दीर्घावे चल सकते बड़े इसी से। ओम रीम श्रीम क्लीम मरम मम मम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते कृताभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनल पुष्प कई चरस दीप सुप फलार की कई धवल मंगलकांड बाकुले जिन ग्रह जिनाथ महामिरे ओम रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम नृपपामी ती स्वाहा। दूध का कलश पूर्णा शतांग किरणों सम कांतिधारे ये दूध उत्तम रसायन विश्व में है। हे नाथ शीर्घट से अभिषेक करके मैं काम दिन सुमाचित प्राप्त कर लूँ। ओम रीम श्रीम क्लीम मरम मम मम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तन लल पुष्प कई चरस दीप सुप फलार की कई धवल मंगलकांड बाकुले जिन ग्रह जिनात्मा मिरे ओम रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम नृपपामी ती स्वाहा। दही का कलश जैनेन्द्र की तिहा एकत्रित हुई काशी रोद दीप हुआ पर समी अति मंगली के दस्य से करके तलोक मंगलमय सौ के पाऊँ। ओम रीम त्रीम क्लीम मरम मम मम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनल पुष्प कई चरस दीप सुप फलार की कई धवल मंगलकांड बाकुले जिन ग्रह जिनाथ महामिरे ओम रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम नृपामी ती स्वाहा। सर्वौषधि का कलश हेला लवंग कर्पूर चंदनादि नाना सुगंध प्रव सिमलाय करके सर्वौषधि मिले सार कसाय जल से संसार रो रेत करु नमन में। ओम रीम श्रीम क्लीम मरम मम 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 सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते सर्वौषधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनुल पुष्प कई चरसु दीप सुप फलार की कई धवल मंगलकांड बाकुले जिन ग्रहे जिनाथ महामिरे ओम रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम नृपामी ती स्वाहा। चतुष्कोण के चार कलश तृष्णा निवारण करे बहुपुणकारी मांगल द्रव्य मिश्रित कोण कल से त्रिलोकनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाऊँ सिग्न के सुचतुष्टयों को। ओम राम रीम रूम रोम राश नमोरते भगवते मंगलोत्तम कर्णाय कोण कलशला अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनलुल पुष्प कई चरस दीप सुप फलार की कई धवल मंगलकांड बाकुले जिन ग्रह जिनाथ महामिरे ओम रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम नृपामी ती स्वाहा। चंदन विलेपन त्रैलोक पूर्ण प्र चंदन को घिसा है सौभाग्य कार्य जिन बिंब विलेप हेतु सौरभ प्राप्त कर लूँ निज के गुणों के नाथ आप गुण सौरभ विश्व व्यापा। ओम रीम श्रीम क्लीम मरम मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते चंदन विलेपनम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तलुर पुष्प कई चरस दीप सुप फलार की कई धवल मंगलकांड बाकुले जिन ग्रह जिनाथ महामिरे ओम रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम नृपामी ती स्वाहा। पुष्पवृष्टि ओम रीम सुमना सुखप्रदाय पुष्पवृष्टिम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तलुर पुष्प कई चरस दीप सुप फलार की कई धवल मंगलकांड बाकुले जिन ग्रह जिनाथ महामिरे ओम रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम नृपामी ती स्वाहा। मंगल आरती दग्ध उज्ज्वलाक्ष मनोहर पुष्प दीपई पात्रार्पित ही प्रतिदिन महतारण त्रिलोक मंगल सुखालय कामदा हमारातिकम तो ब्योरो तारियामित मंगल आरती ओजनम। उदक चंदन तनलुत पुष्प कई चरस दीप सुप फलार की कई धवल मंगलकांड बाकुले जिन ग्रह जिनाथ महामिरे ओम रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम नृपामी ती स्वाहा। पूर्ण सुगंधित कलश कर्पूर चूर्ण मलयागिरि चंदनादि नाना सुगंधि कर द्रव्य मिलाय लीने गंधाम चंदित करूँ अभिषेक प्रभु का कमल ज्ञान में आत्म ज्योत पाऊँ। ओम रीम श्रीम क्लीम मरम मम मम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते सुगंधित जलेन पूर्ण कलशेन अभिषेच्यामि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनलुल पुष्प कई चरस दीप सुप फलार की कई धवल मंगलकांड बाकुले जिन ग्रह जिनाथ महामिरे ओम रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम नृपामि ती स्वाहा। शांति धारा प्रारंभ हो रही झारी हाथ में लेना है। शांति धारा के लिए किसी की भावना हो तो अपने नाम लिखा सकते हैं
और भी जो महिलाएं बैठी हैं अपनी कोई भी नाम लिखाना चाहेंगे तो शांति धारा में उनका नाम उच्चारित किया जाएगा। जिन्हें भी अपना नाम देना हो, हमारे प्रतिनिधि खड़े हैं, उनको अपना नाम दे दें। शांति धारा प्रारंभ हो रही है। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमो रते भगवते श्रीमते प्रक्षिणासे दोषकर्मसाय दिव्य तेजोमूर्ति नमासि शांतिनाथाय शांतिकराय सर्वपाप प्रणाशनाय सर्वविघ्ननाशाय सर्वरोगोप सर्वनाशनाय सर्वप्रकटशत्रुपदोपनाशाय सर्वसामनामरणनाथ ओम राम नीरूम ओम राशिवत नमः। गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमर्ण चतुर्भिसंगस्य संघपति श्री अनिल कुमार जैन, धर्मपत्नी श्रीमती अनीता जैन, अतिशय जैन, श्रीमती सुरभि जैन, प्रीत विहार दिल्ली निवासी सपरिवार से, जेके जैन पूर्व सांसद, धर्मपत्नी श्रीमती निर्मल जैन सपरिवार, प्रीत विहार दिल्ली निवासी सपरिवार से, कुलाधिपति श्री सुरेश चंद जैन, धर्मपत्नी श्रीमती बीना जैन, तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय मुरादाबाद, कैलाश चंद जैन सर्राफ, आदि जैन, अध्यात्म जैन, सिद्धार्थ जैन, पुरुषामृतागम जैन चौक लखनऊ सपरिवार से, सुभाष चंद, श्रीमती सुषमा जैन, टिकैत नगर लखनऊ, प्रकाशचंद ज्ञाना देवी जैन टिकैत नगर लखनऊ, अमरचंद जैन, धर्मपत्नी श्रीमती अर्चना जैन टिकैत नगर लखनऊ, श्रीमती श्री नीतीश कुमार जैन, श्रीमती शालिनी जैन चौक लखनऊ, श्रीमती मंगला, सुभाष चंद साहू, जम्बूदीप, हस्तिनापुर, श्रीमती आरती जैन, संदीप, संजीव, अनुपम, नविता जैन सीसेवाला परिवार प्रयागराज, विमल कुमार, कमल कुमार, कासलीवाल मुंबई, दीपक जैन, श्रीमती सुभाषनी जैन वाराणसी, अंकुर जैन, स्तुति जैन आगरा, जे सी जैन हरिद्वार, जम्बू प्रसाद जी जैन गाजियाबाद, जवाहरलाल जी जैन सिकंदराबाद, इंजीनियर सी आर पाटिल ऋषभ देवपुरम मांगी तुंगी, संजय पन्नालाल पापड़ीवाल औरंगाबाद, प्रमोद कुमार झम्मनलाल कासलीवाल औरंगाबाद, भूषण जयचंद कासलीवाल चांदवड़ नासिक, चंद्रशेखर कासलीवाल चांदवड़ नासिक, डी ए पाटिल जयसिंहपुर महाराष्ट्र, श्रीमती सुजाता निरंजन शाह पुणे, विनय जैन, सुशील जैन, वीर कुमार जैन, नितेश जैन, समस्त पदाधिकारी जैन धर्म प्रवर्धिनी सभा लखनऊ, अतुल जैन, राकेश जैन, राजकुमार जैन, विनोद जैन, श्रीमती सुनंदा जैन, श्रीमती लतिका जैन, श्रीमती मालती जैन, श्रीमती मनोरमा जैन, भरत ज्ञान स्थली बड़ी मूर्ति कनाट प्लेस नई दिल्ली सपरिवार से, न्यायमूर्ति श्री कैलाश चंद चांदीवाल औरंगाबाद सपरिवार से, श्री दानमल अजीत कुमार पांड्या बाहुबली ग्रुप सपरिवार कलकत्ता, श्रीमती रेखा, संजय जैन दीवान, अजय जैन दीवान सूरत गुजरात, श्रीमती ललताबाई, लाल चंद्रविंद कुमार, सुरेंद्र कुमार, नीलेश कुमार, पंकज कुमार खड़कपुरकर परिवार देवलगांव राजा बुल्ढाना, श्रीमती सोना देवी सेठी की स्मृति में, विनोद कुमार दिवस, रश्मि आनंद, नीतू सेठी, चांदनी अभिषेक पाड़ूती, शिवांगी सौरभ छावड़ा, दक्षा मायरा आराम शरण्या सेठी डीमापुर कलकत्ता, श्रीमती मखमली देवी आनंद प्रकाश जैन के पुत्र, मदन कुमार, प्रदीप कुमार, प्रवीण कुमार जैन, श्याम इनक्लेव नई दिल्ली, अतुल जैन, श्रीमती मधु जैन अनुभव, श्रीमती शैली जैन अरमन, इक्षा जैन प्रीत विहार दिल्ली, पी के जैन, सुषमा जैन आस्था, अर्चिता जैन सुख शांति एवं स्वास्थ्य लाभ हेतु गाजियाबाद, गंधर्व जैन, अर्पित जैन सुख शांति एवं स्वास्थ्य लाभ हेतु, संजय जैन, श्रीमती अंजू जैन गुरुग्राम हरियाणा, श्रीमती निर्मला प्रेमचंद जैन के पुत्र प्रदीप हेमलता नमन आयुष्यांशु विक्की जैन खारी बावली दिल्ली, राजकुमार किरण देवी, मनोज कुमार, कविता हितेशी, संतोष कुमार, ज्योति, सौम्या, ओजस्वी जैन बगड़ा हावड़ा कलकत्ता, विजय जैन, श्रीमती रश्मि जैन, वैभव कांक्षा जैन, क्षितिज प्राची जैन, नितिन आर्यो जैन, स्तव जैन राजपुर रोड दिल्ली, पुखराज पांड्या, श्रीमती अनूप देवी जैन, मनोज, श्रीमती रश्मि देवी जैन, सुहाना, संजय जैन, बबीता, श्रेयांश, स्मृति जैन गोरखपुर, मनोज जैन, धर्मपत्नी श्रीमती नमिता जैन, पुत्र वरदान जैन, श्रीमती दीप्ति, उत्कर्ष जैन हैदराबाद, वेदिका जैन, रिद्धि जैन, तनुज जैन डिफेंस कॉलोनी मेरठ, अग्रवाल जैन लाडनू वाले, प्रकाश चंद, अजीत कुमार, सुरेंद्र कुमार, ऋषभ, मनोज, रुचिर कुमार सपरिवार मुंबई, श्याम सुंदर, राजेंद्र प्रसाद, संजय, राजेश, पंकज, ऋषभ, अमित, अभिषेक, अरिहंत, पार्थ, मयंक धनावत कटक मुंबई, श्रीमती विमला, ओम प्रकाश जैन हरिद्वार, श्रीमती श्वेता जैन, सुनीत जैन, पुत्र नमन जैन, सीए पारितोष जैन, सुषमा जैन सपरिवार लाजपत नगर नई दिल्ली, सुमेरमल, नर्मदा देवी, अजय, रिंकू, अरविंद, पिंकी, कुशाग्र, लावण्या, भव्या चूड़ीवाल परिवार कलकत्ता, सुबी जैन, सिया जैन, सुपुत्री श्रीमती रितु जैन, धर्मपत्नी श्री सुधांशु जैन कैलिफोर्निया अमेरिका, अजीत कुमार धनालाल, मोहन लाल अजमेरा परिवार धूलियान पश्चिम बंगाल, निर्मल कुमार जैन, श्रीमती छाया जैन, राहुल कुमार, अतिशय जैन सपरिवार लखनऊ, शांति कुमार, ममता, प्रियतम, मयूरी, ऋषभ, सिद्धेश, प्रीति, आदित्य, नित्या जैन, सोगानी, जापान वाले जयपुर, देवेंद्र कुमार अखत, संजना, सिद्धार्थ, रितु जैन सिविल लाइन दिल्ली, कुमारी वंदिता जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु, श्रीमती इंद्रो देवी, सुभाष चंद, समकित जैन, भगत जी परिवार दिल्ली, हरक चंद, पुष्पा देवी, विशाल, हलिका, हृदय, प्रीति, कीर्ति जैन लुनियावास वाले शिलोंग मेघालय,
श्रीमती आभा लोकेश जैन, श्रीमती सुशीला दिनेश जैन मेरठ, श्रीमती पद्मा, सौरभ, दीप्ति आदि, डॉक्टर ब्रजेश कुमार, डॉक्टर कृष्णा जैन अहमदाबाद सपरिवार से, एरोन जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु श्रीमती नेहा, रोबिन जैन पुत्री, अवनी जैन मानसरोवर जयपुर निवासी सपरिवार से, हल्का नवीन जैन पहाड़गंज नई दिल्ली निवासी सपरिवार से, श्रद्धा उमेश जैन चावड़ी बाजार दिल्ली निवासी सपरिवार से, आज के शांति धाराकर्ता आध्यात्म जैन, धर्मपत्नी अर्पिता जैन, पुत्र सम्यक जैन चौक लखनऊ, राजेश कुमार जैन, श्रीमती मीना जैन मंडला निवासी सपरिवार से, राजेंद्र कुमार, नवनीत अक्षित चांदवल जयपुर निवासी सपरिवार से, आजाद कुमार जैन जबलपुर निवासी सपरिवार से, सरपूज का नाम, सरभक्त का नाम, सर्व ज्ञानावरण कर्म चिंचिंदी बिन बिन, सर्व दर्शनावरण कर्म चिंचिंदी बिन बिन, सर्व वेदनीय कर्म चिंचिंदी बिन बिन, सर्व मोहनीय कर्म चिंचिंदी बिन बिन, सर्व आयु कर्म चिंचिंदी बिन बिन, सर्व नाम कर्म चिंचिंदी बिन बिन, सर्व गोत्र कर्म चिंचिंदी बिन बिन, सर्व अंतराय कर्म चिंचिंदी बिन बिन, सर्व क्रोधम चिंचिंदी बिन बिन, सर्व मानम चिंचिंदी बिन बिन, सर्व मायाम चिंचिंदी बिन बिन, सर्व लोभम चिंचिंदी बिन बिन, सर्व मोहम चिंचिंदी बिन बिन, सर्व रागम चिंचिंदी बिन बिन, सर्व द्वेषम चिंचिंदी बिन बिन, सर्व गजभयम चिंचिंदी बिन, सर्व सिंह भयम चिंचिंदी बिन बिन, सर्व अग्नि भयम चिंचिंदी बिन बिन, सर्व सर्प भयम चिंचिंदी बिन बिन, सर्व युद्ध भयम चिंचिंदी बिन बिन, सर्व सागर नदी जल भयम चिंचिंदी बिन बिन, सर्व जलोदर भगंदर कुशकामलादि भयम चिंचिंदी बिन बिन, सर्व विदादि बंधन भयम चिंचिंदी बिन बिन, सर्व वायुयान दुर्घटना भयम चिंचिंदी बिन बिन, सर्व वाष्पयान दुर्घटना भयम चिंचिंदी बिन बिन, सर्व चक्रिका दुर्घटना भयम चिंचिंदी बिन बिन, सर्व त्रिचक्रिका दुर्घटना भयम चिंचिंदी बिन बिन, सर्व द्विचक्रिका दुर्घटना भयम चिंचिंदी बिन बिन, सर्व वाष्पदानी विस्फोटक भयम चिंचिंदी बिन बिन, सर्व विषाक्त वाष्प क्षण भयम चिंचिंदी बिन बिन, सर्व विद्युत दुर्घटना भयम चिंचिंदी बिन बिन, सर्व भूकंप दुर्घटना भयम चिंचिंदी बिन बिन, सर्व भूत पिशाच मंत्र डाकती साकिन्यादि भयम चिंचिंदी बिन बिन, सर्व हानि भयम चिंचिंदी बिन बिन, सर्व व्यापार हानि भयम चिंचिंदी बिन बिन, सर्व राज भयम चिंचिंदी बिन बिन, सर्व चौर भयम चिंचिंदी बिन बिन, सर्व दुष्ट भयम चिंचिंदी बिन बिन, सर्व शत्रु भयम चिंचिंदी बिन बिन, सर्व शोक भयम चिंचिंदी बिन बिन, सर्व सांप्रदायिक विद्वेषम चिंचिंदी बिन बिन, सर्व वैरम चिंचिंदी बिन बिन, सर्व दुर्भिक्षम चिंचिंदी बिन बिन, सर्व मनोव्याधिम चिंचिंदी बिन बिन, सर्व आत्मरोध ध्यानम चिंचिंदी बिन बिन, सर्व दुर्भाग्यम चिंचिंदी बिन बिन, सर्व आयसः चिंचिंदी बिन बिन, सर्व पापम चिंचिंदी बिन बिन, सर्व विद्याम चिंचिंदी, सर्व प्रत्यवायम चिंचिंदी, सर्व कुमतिम चिंचिंदी, सर्व भयम चिंचिंदी, सर्व क्रूरग्रह भयम चिंचिंदी, सर्व दुःखम चिंचिंदी, सर्वाप मृत्युम चिंचिंदी बिन बिन। ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता अभयदानदायक सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक महाति महावीर सन्मति वीरादवीर वर्धमान अमालंकृत महावीर शासन प्रभावात सर्व दिन भक्ता सुखनो भवन्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मेवरमाद्यानामाद्य जम्बुदीपे मेरो दक्षिणभागे भरत्येते आर्खण्डे भारत देशे उत्तरप्रदेशे शाश्वती अयोध्याती क्षेत्रे विसंवत् 2550 तमे मासोत्तम मासे चैत्र मासे कृष्णपक्षे तृतीया तिथौ गुरुवासरे नित्यपूजावसरे विधिमाना यम सानधारा सर्वदेशे राज्ये राष्ट्रियपुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनियार्कात् राजागणां चतुर्भिस्सङ्गस्य शान्तिं करोतु मङ्गलं तनु स्वाहा। हे षोडश तीर्थंकर पंचम चक्रवर्तीन कामदेव रूप शांति निवास सुभिक्षम कुरु कुरु मना समाधिम कुरु कुरु धर्म शुक्ल ध्यानम कुरु कुरु यशः कुरु कुरु सौभाग्यम कुरु कुरु अभिमतम कुरु कुरु पुण्यम कुरु कुरु विद्याम कुरु कुरु आरोग्यम कुरु कुरु श्रेयः कुरु कुरु सौभाद्रम कुरु कुरु सर्वार्थिष्ट ग्रहादि ननकुले ननकुले कदली घात प्रणम घाते घाते आयुद्रागे दागे सौख्यम साधे साधे। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ आज के शांत कराय सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु ह्रीं नमः परम पवित्र सुगंधि दिलेन जिनपृत्माया मत्स्यकसोपरि शांतिधारम चतुर्भिसंगस्य गणनी प्रमुख श्री गणेश चतुर्भिसंगस्य आज के शांतधारा कथा समस्त परिवार से सर्व शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम कुरु कुरु पुष्टिम कुरु कुरु आरोग्य लाभम वित्तलाभम चा कुरु कुरु बसट स्वाहा। जय बलिए ऋषभ देव भगवान की जय। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई तरस दीप सुप फलार की गई धवल मंगल गांध बाकुले जिन ग्रहे जिनात्मा विजय। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः शांति धारा आपसे कम करोमी अर्घम निर्वपामी ती स्वाहा। श्रुति निर्मल नीरम गंध सुवक्षत पुष्प चरुले मनहर्षाय दीप धूप फले अर्घ सुलेकर नाचत ताल मृदंग बजाय श्री आदिनादि के चरण कमल पर बल बल जाऊँ मन वचकाय हे करुणादित भोदुक मेटो याते मैं पूजो प्रपाय। ओम ह्रीं अयोध्या में जन्म लेने वाले भगवान ऋषभ देव अजितनाथ अभिनंदनाथ सुमतनाथ अनंतनाथ पांचों तीर्थंकर भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामी ते स्वाहा। वसुद्रव संवारी तुम ऋगधारी आनंदकारी दृक्प्यारी तुम भोतारी करुणाधारी आते थारी सरनारी श्री शांति ने समनुत्न क्रेशम भ्रचक्रेशम चक्रेशम
हनियाचक्रेतम हे गुणदेशम दयामृतम मकृतम। ओम रीम हसनापुर में जन्म लेने वाले भगवान शांतिनाथ कुंतनाथ हरेनाथ जम्बुदीप सर्वतीनों प्रतिमाएँ विराजमान उनके चरणारविंद में जलादि अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। जल फल वसुषदी मथारतन मन मोदधरो गुण गाऊ भोदतार पूजत पापी हरो। श्री वीर महात वीर सन्मत नायक हो जय वर्धमान गुणधीर सन्मत दायक हो। ओम रीम जन्मभूमि कुंडलपुर में विराजमान भगवान महास्वामी अस्यकारी उनके चरणारविंद में जलार्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। उदग चंदन तनल पुष्प कई चरस दीप सुप फुलार की कई धवल मंगल गान रबाकुले जिन ग्रह हिंसा मामजे। ओम रीम चार्य चक्रवर्ती जिनका आचार्य पदारोहण शताब्दी वर्ष चल रहा है से आचार्य शांत सागर मुनि दीक्षा शताब्दी वर्ष चल रहा है से आचार्य वीर सागर आचार्य नेमी सागर महाराज के चरणों में एवं परम्पराचार्यों के चरणों में समस्त दिगम्बर जैन संतों के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। पिछी कमंडल उधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं हर्ष द्रव्य का थाल सदा कर अर्घ्य समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है तेरी पावन प्रतिभा लग कर मेरा मन भी पावन है। ओम रीम गणी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी सत्संग के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। बंदामी माता जी बंदामी बंदामी माता जी पूजगणी ज्ञानमती माता जी का मंगल प्रवचन उद्बोधन होगा। सभी लोग बैठ जाएं और श्रद्धापूर्वक शांतिपूर्वक पूज्य माता जी का उद्बोधन श्रवण करें और सभी भक्तों को सूचित करना है पूजगणी प्रमुख ज्ञानमती माता जी के सत्संग सानिध्य में शाश्वती अयोध्या में भगवान ऋषभदेव का जन्म जयंती महोत्सव चैत्रवदी नवमी के दिन 3 अप्रैल को धूमधाम से मनाया जाएगा। प्रातःकाल 7:30 बजे रथ यात्रा निकलेगी शहर में यानी अयोध्या शहर हो चुका है और इस अयोध्या शहर में रथ यात्रा जाएगी। भगवान ऋषभदेव टोंक जहाँ पर मंदिर बना हुआ है वहाँ तक ये रथ यात्रा जा करके वापस आएगी। दोपहर में यहाँ पर भगवान ऋषभदेव की मूल नायक प्रतिमा का मस्तकाभिषेक होगा पंचामृत अभिषेक होगा शांतिधारा होगी और समडोली के भक्तों का सम्मान समारोह पुरस्कार के द्वारा किया जाएगा। यह कार्यक्रम 3 अप्रैल को समायोजित है शाश्वती अयोध्या में और इस शुभ अवसर पर पूज्यगणनीय ज्ञानमती माता जी का संघ यहाँ पर 9 पिच्छी सहित विराजमान है और इसके अलावा आचार्य शांत सागर महाराज की ही परंपरा में आचार्य अभिनंदन सागर महाराज और मुनि श्री दया सागर महाराज से दीक्षित आर्का गणनी आर्का प्रज्ञामती माता जी और गणनी आर्का सुप्रकाशमती माता जी का संघ सहित मंगल आगमन भी शुभ अवसर पर हो रहा है। 9 पिच्छियाँ हैं 9 आर्का माता जी हैं जो उदयपुर से समित शिखर की ओर यात्रा कर रही हैं तो उदयपुर से सोनागिर होते हुए अयोध्या शाश्वत तीर्थ के दर्शन एवं पूज्यगणनी ज्ञानमती माता जी के दर्शन के लिए आ रही हैं। यहाँ से समित शिखर की ओर उनका प्रस्थान होगा तो 2 अप्रैल को ये संघ यहाँ पर पहुँचने की पूरी संभावना है। पूरा सानिध्य 18 साधुओं का पिछड़ी 18 संतों का सानिध्य इस ऋषभ जयंती को अयोध्या में प्राप्त होने वाला है पूरे अवध प्रांत से राजधानी दिल्ली से और जहाँ जहाँ हमारे भक्तगण आवाज़ सुन रहे हैं जो भी भक्त यहाँ पर आने वाले हैं अपनी सूचना दें ताकि उनके ठहरने की व्यवस्था यहाँ पर की जा सकेगी और जितने भी भक्त आएंगे सभी के ठहरने की भोजन की समुचित व्यवस्था श्री दिगंबर जैन अयोध्या क्षेत्र कमेटी की ओर से की जा रही है। आप अधिक से अधिक संख्या में यहाँ पर पधार कर और जैन धर्म के अस्तित्व को शाश्वती अयोध्या में प्रदर्शित करने का ये मौका रहता है। आप अवश्य आएँ अधिक से अधिक संख्या में और रथ यात्रा में शामिल हों मस्तकाभिषेक का एक कलश अपने हाथों से करने का पूर्ण अवसर अवश्य प्राप्त करें। पूज्यगणनीय ज्ञानमती माता जी के सानिध्य में अब माता जी का मंगल उद्बोधन प्रवचन होने जा रहा है। ओम नमः सिद्धेभ्यः 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 ओम रीम विश्व शांति कराय श्री ऋषभदेवाय नमः ओम रीम विश्व शांति कराय श्री ऋषभदेवाय नमः ओम रीम चांद्री चर्या प्रकाश काय प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवाय नमः ओम रीम चांद्री चर्या प्रकाश काय प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवाय नमः 16 कारण व्रत का मंत्र ओम रीमरम विनय संपन्नता भावनायै नमः ओम रीमरम विनय संपन्नता भावनायै नमः पुनश्च भगवान महावीर स्वामी का 2550वां निर्वाण कल्याण महोत्सव वर्ष
ओम रीम श्री महावीर स्वामिने नमः। ओम रीम श्री महावीर स्वामिने नमः। ओम रीम श्री गौतम गणधर स्वामिने नमः। ओम रीम श्री गौतम गणधर स्वामिने नमः। ओम रीम श्री केवल ज्ञान महालक्ष्मी नमः। ओम रीम श्री केवल ज्ञान महालक्ष्मी नमः। ओम रीम श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम रीम श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम रीम श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम रीम श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम रीम श्री नेमि सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम रीम श्री नेमि सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। भव्यात्माओं, श्री गौतम गणधर स्वामी की वाणी में यावंति संति लोकेस्मिन् अकृतानि कृतानि च तानि सर्वाणि चैतानि वंदे भूयांसि भूतये। यहाँ इंद्रधनुष मंडल विधान पर 458 भगवान विराजमान है, उनका भी मंत्र हम और आप बोलेंगे। ओम रीम अरहम मध्यलोक संबंधी चतुर्थाष्ट पंचाशत जिनाले जिनबिंबेभ्यो नमः। ओम रीम अरहम मध्यलोक संबंधी चतुर्थाष्ट पंचाशत श्री जिनालेभ्यो नमः। भव्यात्मा, कल हमने आपको जो मध्यलोक के 458 जिन मंदिर हैं उनमें से जम्बू द्वीप के 78 जिन मंदिरों की संख्या गिनाई है। आज हम आपको ले चलेंगे 458 मंदिरों की संख्या में। आप देखेंगे कि जम्बू द्वीप को घेर कर लवण समुद्र है चारों तरफ से, और उस लवण समुद्र के बाहर चारों तरफ घेर कर धातीखंड द्वीप है। इस धातीखंड द्वीप में दक्षिण में एक इच्छाकार पर्वत है और उत्तर में एक इच्छाकार पर्वत है। इससे इस धातीखंड के दो खंड हो गए, पूर्व धातीखंड और पश्चिम धातीखंड। पूर्व धातीखंड में विजय मेरु है बीचों बीच में, जो इस सुमेरु पर्वत से किंचित छोटा है। सुमेरु पर्वत 1,00,000 योजन का है तो ये 84,000 योजन ऊंचा है, इतना ही अंतर है। बाकी सारी रचना में आप पाएंगे कि वहाँ भी ऐसे 78 जिन मंदिर हैं। विजय मेरु के 16 जिन मंदिर, गजदंत के 4 और धातकी वृक्ष वहाँ पर जम्बू वृक्ष की जगह धातकी वृक्ष है आंवले का, वो भी अकृत्रिम अनादिघन पृथ्वी का। उस वृक्ष के 2 जिन मंदिर, गजदंत के 4 जिन मंदिर, कुलाचल के 6 और 16 बक्षार के और 34 विजयार्थ के, कुल मिलाकर वहाँ भी उधर भी 78 जिन मंदिर। ऐसे ही पश्चिम पुष्करार द्वीप में मेरु का नाम है अचल मेरु, बीचों बीच में अचल मेरु है और यहाँ भी उसमें मेरु के 84,000 जन ऊँचे मेरु में 16 जिन मंदिर, 4 गजदत्तों के धातकी वृक्ष और सालमंडी वृक्ष के 2, पुनश्च गजदंत के 4, कुलाचल के 6, बक्षार के 16 और विजयार्थ के 34, 78 जिन मंदिर वहाँ भी हैं। इसी प्रकार से हम इसको देखेंगे, धातकी खंड के बाहर कालो नदी समुद्र घेरे हुए हैं। इस कालो नदी समुद्र के बाहर पुष्करार द्वीप है, पुष्करार द्वीप में बीचों बीच में पुष्कर द्वीप में बीचों बीचों मानसोत्तर पर्वत है। तो उसमें पुष्करार द्वीप में उसके इसलिए पुष्करार्ध उसका आधा कहते हैं, पुष्कर अर्ध पुष्करार्ध द्वीप। उसके पूर्व में ऐसे उधर भी दक्षिण में और उत्तर में इच्छाकार पर्वत हैं, और पूर्व में बंदर मेरु है और पश्चिम में विद्युन वाली मेरु, और वहाँ पर भी ऐसे ही मेरु में 16 जिन मंदिर, गजदंत के 4 और वहाँ वृक्षों के नाम थोड़ा बदल गए, पुष्कर वृक्ष और सालमली वृक्ष। पुष्कर वृक्ष सालमली वृक्ष के 2, कुलाचल के 6 और बक्षार के 16 और विजयार्थ के 34, उधर भी 78 जिन मंदिर हैं। और पश्चिम पुष्करार द्वीप में भी विद्युन वाली मेरु है, इस विद्युन वाली मेरु में भी 16 जिन मंदिर और वहाँ भी वृक्ष में पुष्कर वृक्ष सालमली वृक्ष के 2, गजदंत के 4 और कुलाचल के 6, बक्षार के 16 और विजयार के 34, कुल मिलाकर 78 जिन मंदिर। ऐसे 78 को 5 से गुना कर लो, पुनश्च 4 इस्वाकार हो गए, 2 इस्वाकार धातीखंड में, 2 इस्वाकार पुष्करार द्वीप में। चार
चार या इस आकार के जिन मंदिर पुनः आप पाएंगे तो चौथे पांचवे छठे सातवें द्वीप तक कोई भी आकृति जिन मंदिर नहीं है। बेहतर देवों की ज्योतिर्देवों की बात अलग है, उनके मतलब संबंधी मंदिर नहीं होने से आगे आठवें द्वीप है नंदीश्वर द्वीप है। नंदीश्वर द्वीप के 52 दिन मंदिर वो कई बार आपको बताए जा चुके हैं, आप लोग जानते हैं। अंजनगिरी के चार, दजमुख के 16 और रतकर के 32, ऐसे 52 दिन मंदिर नंदीश्वर द्वीप में हैं। पुनश्च नौवें द्वीप में और 10वें द्वीप में कोई जिन मंदिर नहीं है। 11वां द्वीप है कुंडलवर, कुंडलवर द्वीप में भी बीचों बीच में कुंडलवर पर्वत है, इस पर्वत पर भी चार जिन मंदिर हैं। कुंडलवर पर्वत पर चार जिन मंदिर हैं। ऐसे ही पहले मानसोत्तर पर्वत पर भी चार जिन मंदिर रहे हैं। मानसोत्तर पर्वत के चार जिन मंदिर, कुंडलवर पर्वत के चार जिन मंदिर, पुनश्च 12वें द्वीप में कोई जिन मंदिर नहीं है। 13वां द्वीप है रुचकवर, रुचकवर द्वीपों द्वीप में बीचों बीच में रुचकवर पर्वत है, इस रुचकवर पर्वत पर भी चारों दिशा में चार जिन मंदिर। अब आप लिखें और गिनती करें। पहले 78 जिन मंदिर को 5 से गुणा कर दें, पुनश्च चार मानसोत्तर के, चार इस्वाकार के, चार कुंडलगिरी के, चार रुचकगिरी के मिला दें और नंदीश्वर के 52, तो कुल मिलाकर के 458 जिन मंदिर हो जाते हैं। ये 458 जिन मंदिरों की गणना अनादि निधन और अकृत्रिम है ये रचना, और इन मंदिरों के प्रमाण भी ग्रंथों में बताए हैं। हम और आप इन आकृति मंदिरों में जो विद्याधर हैं, हम और आप तो परोक्ष में ही वंदना करेंगे, जो विद्याधर मनुष्य हैं और जो निधिधारी महामुनि हैं, वो सब 2.5 द्वीप तक मानसोत्तर पर्वत तक जिन मंदिरों की वंदना करते हैं, नंदीश्वर द्वीप और 11वां 12वां द्वीप जो है कुंडलवर रुचकवर, तो नंदीश्वर द्वीप तक, नंदीश्वर द्वीप के 52 जिन मंदिर, कुंडलवर के 4, रुचकवर के 4, 8, ऐसे 60 जिन मंदिरों की वंदना देवगण ही करते हैं। मनुष्य, विद्याधर, ऋद्धिधारी मुनि आदि सब परोक्ष में ही इनकी वंदना करते हैं। ऐसे 458 जिन मंदिर आकृति में अनादि निधन इंद्रध्वज विधान में देवगण लिखा हुआ है कि इन मंदिरों में वंदन करते हुए नंदीश्वर द्वीप आदि में जाते हैं जब, तो इन मंदिरों की वंदना करते हुए और सभी मंदिरों पर ध्वजा लगाते हैं, ध्वजा चढ़ाते हैं, ध्वजा स्थापित करते हैं, इसीलिए इसका इंद्रध्वज मंदिर नाम सार्थक है। इंद्रध्वज मंडल विधान, इंद्रों के द्वारा की गई आराधना और उन पर स्थापित किए गए ध्वजाएँ, यहाँ पर भी आप देखेंगे मंडल में 5 मेरु दिखाए गए हैं और 5ों मेरु में 4-4 वन हैं, भद्रसाल, नंदन, सोमनस और पांडु, और उनमें 1-1 जिन प्रतिमाएँ हैं, ऐसी 16 जिन प्रतिमाएँ हो गई एक मेरु की, तो 5 मेरु की 80 जिन मंदिर होते, 80 जिन मंदिर जिन प्रतिमाएँ हो जाती। पुनश्च बाकी शेष
जिन मंदिर जो अभी मैंने गणना कराई है उसी हिसाब से 458 जिन मंदिर 13 द्वीप तक है। ऐसे जिन मंदिर की रचना जम्बू हसनापुर में, जम्बू द्वीप तो खुले मैदान में बना हुआ है, वहाँ सुदर्शन मेरु है एक बीचों बीच में, और 78 जिन मंदिर हैं शेष देव भवनों में जिन व्रतवाएँ हैं वो सब व्यंतर देव की कहलाती हैं। और 13 जीव की रचना भी वहाँ बनी हुई है। ये 13 जीव की रचना जो बनी है वो बंद स्थान में है, चूँकि बंदरों का वहाँ उपद्रव थोड़ा रहता है, हसनापुर में अयोध्या में बंदरों का उपद्रव होने से सभी रचना मंदिर में 13 जीव की बनाई गई है। वहाँ पर ऐसे 458 जिन मंदिर विराजमान हैं और उनमें जिन प्रतिमाएँ एक एक विराजमान हैं। आप ध्यान रखें यहाँ एक एक मंदिर में एक एक प्रतिमाएँ विराजमान हैं, तो 458 जिन प्रतिमाओं को नमन करते हुए, लेकिन जो आकृतिम जिन मंदिर हैं उनमें एक एक जिन मंदिरों में बहुत वैभव है, उसको आप त्रिलोकथार आदि से पढ़ें तो बहुत ही आनंद आता है। लिखा है कि उसका वर्णन यदि शारदा असंख्यातों वर्षों तक करते रहे तो कर नहीं सकती, ऐसा वर्णन बहुत ही विशेष महत्वपूर्ण वर्णन है। गर्भागार जो है प्रत्येक वेदियों में एक एक जिन प्रतिमा ऐसे 108 जिन प्रतिमाएँ विराजमान हैं, और मंदिर के चारों तरफ जो 3 परकोटे हैं उनमें एक परकोटे में चैत्य वृक्ष हैं जिनमें कटनी पर प्रतिमाएँ विराजमान हैं, बहुत ही वैभव है वहाँ। ऐसे आकृति मनादिनिहर मंदिर में जिन प्रतिमाओं की संख्या 108 हो करके 108 होती है, उन सब जिन प्रतिमाओं को हम और आप परोक्ष से ही नमन करें, परोक्ष से ही वंदन करें, क्योंकि हम और आप वहाँ पहुँच नहीं सकते। नंदीश्वर पर्व में जो देवगण जाते हैं वो नंदीश्वर द्वीप में ही पूजा करते हैं, वंदना करते हैं, भक्ति करते हैं, अखंड पूजा 24 घंटे अखंड पूजा वहाँ चलती है। पुनः पांचों मेरु की वंदना करके और पांचों मेरु की वंदना करके अपने अपने स्थान पर चले जाते हैं। ऐसे देव हमेशा असंख्यातों देव, भवनवासी देव भी असंख्यात हैं, व्यंतर देव भी असंख्यात हैं, और ज्योतिर्वासी देव भी असंख्यात हैं मध्यलोक में, और कल्पवासी देव भी असंख्यात हैं सर्वार सिद्धि तक। तो असंख्यातों देव में से तमाम देव, बहुत सारे देव, संख्यातों संख्यातों देव देविया इन आकृतिम जिन मंदिरों की वंदना करने जाते ही रहते हैं। कभी वहाँ एक मिनट भी, एक सेकेंड भी समय खाली नहीं है कि जिस समय वहाँ देवगण न हो, भक्ति नहीं चल रही हो, वंदना नहीं हो रही हो, मंदिर कोई खाली हो गया हो। हमेशा अखंड पूजा वंदना चलती रहती है। वहाँ कितने ही मंगल घट धूप घट रखे हुए हैं। धूप घटों में बताया है तिलोय प्रणति में कि हमेशा हमेशा धूप घट में अग्नि जलती ही रहती है। वहाँ की अग्नि आज तक अनादिकाल से अनंत अनंत काल निकल गया, आज तक न तो अग्नि बुझी है न बुझेगी, और हमेशा देवगण धूप खेते रहते हैं, धुआं उठता रहता है और सुगंधि फैलती रहती है। ऐसी आकृतिम जिन रचनाओं की वर्णन वर्णना महिमा धूप घट रखे हुए हैं, मंगल घट रखे हुए हैं, देवगण वहाँ दिव्य स्वर्गों से सामग्री ला करके और भगवंतों की आराधना करते हैं। अर्चना पहले महामस्तक अभिषेक करते हैं, भगवंतों का पंचावृत अभिषेक आदि करते हैं, पूजा करते हैं, पुनश्च सुगंधित जल से जलधारा शांति धारा करते हैं, पुनश्च आश्रम से पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, भक्ति करते हैं, नृत्य करते हैं, गीत संगीत वादित आदि से, और महान पुण्य का संचय करते हुए
अपने सम्यक दृष्टि, अपने सम्यक दर्शन को दृढ़ करते हैं और मिथ्यादृष्टि, तमाम मिथ्यादृष्टि अपने सम्यक तो प्राप्त कर लेते हैं जिन मम्मी के दर्शन से, अपने मोक्ष मार्ग को प्रशस्त कर लेते हैं। ऐसे असंख्यातों देव सम्यक दृष्टि भी हो जाते हैं और असंख्यातों देव मिथ्या दृष्टि भी हैं। तो बात यही असंख्यातों में संख्या असंख्यात असंख्यात ही आ जाती है। भगवंतों की वाणी में भी इन्हें असंख्यात कहा है, अर्थात गणना से परे इनकी गणना नहीं हो सकती। ऐसे देवगण भी मनुष्य पर्याय के लिए तरसते हैं, उनका भी जो सम्यक दृष्टि है चिंतन करते हैं कब मनुष्य पर्याय मिले, और तपश्चरण आदि करके मुनि पर्याय धारण करके, मुनि मुद्रा धारण करके, और हम आत्मा से कर्मों को भिन्न करके, कर्मों को अलग करके, घात्या कर्मों का नाश करके, केवल ज्ञान प्राप्त करके कब हम अपनी आत्मा को शुद्ध परमात्मा बनाएंगे। ऐसी वो सम्यक दृष्टि देव भावना भाते रहते हैं। और जो मिथ्या दृष्टि देव हैं वो भोगों में आसक्त हुए और जब वहाँ से मरने को होते हैं, 6 महीने पहले माला बुझाती है तो रोने लगते हैं, घबराते हैं, चिंतन करते हैं और दुखी होते हैं, तो वहाँ से च्युत होकर मरकर एक इंद्री भी हो जाते हैं, विकलत्र नहीं होंगे। देव मरकर विकलत्र 2 इंद्री 3 इंद्री 4 इंद्री नहीं होंगे, असैनी 5 इंद्री नहीं होंगे, मरकर 1 इंद्री हो सकते हैं, पृथ्वी कायिक, जल कायिक, वायु कायिक, वनस्पति कायिक आदि के इंद्री हो जाते हैं भव्यात्मा। इसलिए सम्यक दर्शन और उसकी महिमा अपने आप में विशेष है। सम्यक दर्शन के समान इस संसार में कोई मित्र नहीं है और मिथ्यात्व के समान कोई शत्रु नहीं है। हम और आप अपने सम्यक दर्शन को दृढ़ करें, भगवंतों की भक्ति करते हुए, भगवंतों की आराधना करते हुए, भगवंतों की पूजा विधान अनुष्ठान आदि के द्वारा आराधना करके अपनी आत्मा को परमात्मा बनाने का संकल्प लें, अपनी आत्मा को परमात्मा बनाने का पुरुषार्थ करें और इस पुरुषार्थ में हम और आप सफलता को प्राप्त करके निश्चित ही एक न एक दिन जहाँ भगवान ऋषभदेव विराजमान हैं, जहाँ भगवान महावीर स्वामी विराजमान हैं, वहीं सिद्ध शिला को एक न एक दिन अवश्य प्राप्त करेंगे, उस सिद्ध शिला को अवश्य ही प्राप्त करेंगे। सम्यक दर्शन की महिमा, भगवंतों की भक्ति की महिमा और शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या तीर्थ की वंदना की महिमा, इसको समझ करके हम और आप भगवंतों की भक्ति करते रहें, यही प्रेरणा। और आप सबके लिए बहुत 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 मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद हमारे विधान करने वाले अध्यात्म जैन आदि के लिए, सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। अयोध्या शाश्वत तीर्थ क्षेत्र की जय। आपने वह चीज़ जानी जिसे हम आँखों से देख नहीं पाते, लेकिन आगम के चक्षु से पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी मध्य लोक की रचना को इस तरह से बताती हैं जैसे सब कुछ देख करके आई हैं। आज आपसे प्रश्न पूछना है, एक प्रश्न जिसके माध्यम से आपको भी अपने स्वाध्याय का परीक्षण कर लेना है। जम्बूद्वीप आदि तीर्थ द्वीपों की बातों को जान करके अब आपको बताना है कि जम्बूद्वीप के अंदर कितने चैत्यालय हैं, उनकी संख्या और अलग अलग उनके नाम लिख करके भेजना है। प्रश्न फिर से सुनिएगा, जम्बूद्वीप के अंदर कितने चैत्यालय हैं, इन्हें चैत्यालयों की संख्या और अलग अलग उनके नाम लिख करके भेजना है आपको। नंबर हम दे रहे हैं, इस नंबर पर केवल व्हाट्सएप करना, फ़ोन मत करना, और रात के 8 बजे तक आपको उत्तर भेजने की सुविधा रहेगी। नंबर नोट कर लीजिएगा, इसी पर ज़्यादातर
आप व्हाट्सएप भेजते भी हैं 8171351392 इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप भेजना है। बहुत अच्छे से सावधानी के साथ सुनिएगा, जम्बूद्वीप में कितने अकृत्रिम चैत्यालय हैं, उनकी संख्या और अलग अलग उनके नाम आपको लिख करके भेजना है। वर्तमान में अयोध्या तीर्थ के अंदर इंद्रध्वज मंडल विधान चल रहा है। इंद्रध्वज मंडल विधान का मतलब है तीनों लोकों में से मध्य लोक के अंदर जो असंख्यात द्वीप समुद्र हैं उनमें 1 नंबर से लेकर 13 नंबर तक यानि 13 द्वीपों के अंदर 458 जिन मंदिरों की जो पूजा की जाती है और इंद्रगण उन मंदिरों पर जा करके ध्वजाओं का आरोपण करते हैं, भगवान को नमन करते हुए अर्घ चढ़ाते हैं, श्रीफल चढ़ाते हैं, इसीलिए इस विधान का नाम है इंद्रध्वज। प्रायः हिंदुस्तान का कोई जिन मंदिर ऐसा नहीं होगा जहाँ किसी न किसी दिन कोई न कोई इंद्रध्वज विधान ना कर रहे हों। इस विधान की महिमा ही है, जब धरती पर कभी अकाल पड़ा, दुर्भिक्ष पड़ा, इस इंद्रध्वज विधान को करने से समाप्त हो गया, सुकाल आ गया, सुभिक्ष हो गया। और इस विधान की रचना पूज्य गणनीय ज्ञानमती माता जी ने सन 1976 के अंदर पूज्य माता ने खतौली जिला मुजफ्फरनगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर है वहाँ चातुर्मास के मध्य इस विधान की रचना की और तब ये 22 घंटे तक मौन रखती थी, समझे, 22 घंटे मौन रखती थी, आहार करना, प्रतिक्रमण, सामायिक आदि अपनी दैनिक क्रियाओं से निवृत्त होकर के और 3-4 महीने के अंदर इस विधान को पूज्य माता ने परिपूर्ण किया था और सबसे पहले ही इसका चमत्कार दिखा था कि जैसे पहले कोई टाइपिंग की ऐसी कुछ व्यवस्था नहीं थी खास और कंप्यूटर का तो था ही नहीं, माता ने अपने लिखित कागज़ जो हैं इनके हस्तलिखित कागज आज भी हैं उनका बस्ता बांध करके और रख दिया। सुनना चमत्कार, इंद्रध्वज विधान का पहला चमत्कार, रख दिया और वहाँ भी बंदर बहुत थे और अकस्मात आकर के बंदर वो बस्ता उठा ले गया। बंदर बस्ता उठा के ले जाता है और माता जी की सांस ऊपर की ऊपर नीचे की नीचे, क्योंकि इनके लिए वो बड़ी भारी धरोहर थी, निधि थी, यही इनका धन था जिसमें पूरे उपयोग को लगा करके रचा था और उसकी कोई दूसरी कॉपी नहीं थी। और सब लोग एकदम परेशान हो गए। तब हम लोगों ने ऐसे उपाय कुछ सोचा था, छत पर जा करके और बंदर के लिए 3-4 जगह रोटी डाली। अब बंदर उस रोटी के लालच में रोटी के पास आ गया और उस बस्ते को नीचे गिरा दिया छत से। वहाँ मार्केट था, बहुत बड़ी नाली थी, लेकिन वो बस्ता मार्केट के बीच में जाके सड़क पर गिरा और ये बस्ते को खूब अच्छे से बांधती भी हैं, गांठ लगी हुई थी, बस्ता खुला भी नहीं, पेज बिखरे नहीं और पूरा बस्ता जब हम लोगों ने ला करके माता के हाथों में दिया तब जा करके इनकी जान में जान आई। यानी बंदर के ले जाने के बाद भी एक पन्ना फटा नहीं और वह इंद्रध्वज विधान की ओरिजिनल कॉपी ज्यों की त्यों मिल गई। तो उस विधान का प्रारंभ में ही चमत्कार दिख गया, जहाँ जहाँ लोगों ने किया, अनेक चमत्कारों के बारे में बताया। तो भव्य आत्माओं, ऐसा इंद्रध्वज विधान आज 48 साल पहले लिखा गया और इस धरती पर जब जब कोई संकट आता है या किसी व्यक्ति की कोई समस्याएं होती हैं या
महान पुण्य की सातिशय पुण्य की प्राप्ति के लिए कि हम भी स्थापना निक्षेप से इंद्र बन करके और मंदिरों पर ध्वजाओं को लगाते हुए इस विधान को करें तो बड़ा ही सुंदर लगता है, खूब भाव लगते हैं। हमारे अध्यात्म कहते हैं कि माता जी सौधर्म इंद्र बनने में बड़ा मज़ा आता है, खूब आनंद होता है और महान पुण्य की प्राप्ति मुझे होती है। ऐसे पुण्य के क्षण हमें जरूर जरूर प्रदान किया करें। तो आजकल होली की छुट्टियों में आकर के अपनी पत्नी और पुत्र के साथ इस विधान को संपन्न कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि 700 तीर्थ अयोध्या है, जहाँ पूज्य गणी ज्ञानमती माताई जो विधान की रचयित्री हैं उनको साक्षात प्राप्त करके विधान को करने वाले भक्तों को आह्लाद तो होता ही है, चमत्कार कुछ विशेष सोने में सुगंधी के जैसा हो जाता है। अब बात यह है कि अयोध्या के अंदर जहाँ अनंत तीर्थंकरों ने जन्म लिया, वहीं वर्तमान के भगवान ऋषभदेव ने कर्मभूमि की आदि में जन्म लेकर प्रजा को जीवन जीने की कला सिखाई, राजाओं को राजनीति सिखाई, नारियों की शिक्षा का सूत्रपात किया। ऐसे महान प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव की जन्म जयंती चैत्र कृष्णा नवमी 3 अप्रैल को आ रहा है। देखो जन्मभूमि पर जन्म जयंती मनाने का पुण्य ही कुछ और रहता है। और मैं समझती हूँ समडोली के उन श्रावकों का बहुत बड़ा पुण्य है जहाँ उन्होंने आचार्य शांति सागर महाराज के आचार्य पदारोहण का कार्यक्रम किया, जहाँ दो दो मुनि दीक्षाओं को दिलाने का शताब्दी महोत्सव मना रहे हैं, लाखों लाखों दीप जलाकर जिन्होंने उद्घाटन किया, उनको भी उस पुण्य के साथ साथ शाश्वत तीर्थ अयोध्या में आकर सम्मान लेने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। आचार्य शांति सागर पुरस्कार, आचार्य वीर सागर पुरस्कार, आचार्य नेमी सागर पुरस्कार, गणिनी ज्ञानमती पुरस्कार और युवा रत्न पुरस्कार, ये सब यहाँ पर भगवान ऋषभदेव की जन्म जयंती के दिन ही संपन्न किए जाएंगे। उसके साथ भगवान का दीक्षा कल्याणक भी है। और एक और इवेंट रहता है उस दिन कि भगवान भरत जो भगवान ऋषभदेव के पुत्र थे, जिनके नाम पर देश का नाम भारत पड़ा, ऐसे अध्यात्म पुरुष भगवान भरत के भी जन्म जयंती का वही दिवस वही तिथि का दिन होता है। तो हम सब मिलकर के भगवान ऋषभदेव भगवान भरत का जन्म दिवस मनाएंगे। अयोध्या की जनता आज जहाँ राम जन्मभूमि के दर्शन करने के लिए लाखों लाख लोग प्रतिदिन आते हैं, वहीं जैनियों की संख्या भी खूब बढ़ी है। कोई हवाई जहाज से आते हैं, कोई रेल से आते हैं और सबके मुख से एक ही निकलता है, हम पहली बार अयोध्या आए लेकिन जन्म हमारा धन्य हो गया। तो भव्यात्माओं ध्यान देना है, एक बार बंदे जो कोई ताहीं नरक पशुगति नहीं होई। नरक और पशुगति का बंद टालने के लिए आपको अयोध्या और सम्मेध शिखर का दर्शन एक बार जरूर करना है। अयोध्या में जन्म लेते हैं तीर्थंकर भगवान और सम्मेध शिखर से मोक्ष जाते हैं। पहला शाश्वत तीर्थ कौन सा है? अयोध्या। तो सन 2024 में आप सब अपने घर के प्रत्येक सदस्य को अयोध्या के दर्शन कराने का जरूर जरूर संकल्प ले लीजिए और बोलिएगा सब लोग मिलकर के, प्रभु ऋषभ जहाँ जन्मे, प्रभु ऋषभ जहाँ जन्मे, खेले जहाँ बचपन में,